तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार यूहन्ना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े देश नीने को जा और जो बात मैं तुझसे कहता हूँ उसमें प्रचार कर। तब यूहन्ना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे के एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा था। यूहन्ना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास और प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे सभी ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से संपत्ति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, बकरियां और अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुकर्म से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और अब नष्ट होने से बचाए जाए। तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वह कुकर्म से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको ना किया।